गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का भाग 16। चलिए फिर देश की बात की है, शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 20। उसके बाद हम टिप्पणी पे भी दृष्टि डालेंगे। उदाहरण 1920 से पहले हमने उदाहरण 18 तक कर लिए थे, तो एक बार अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें देख लेना, ठीक है? चलो फिर शुरू करते हैं। तो उदाहरण नंबर 19, दो सदिश ए सदिश और बी सदिश के लिए सदैव ए सदिश डॉट बी सदिश का जो परिमाण है वो लेस देन इक्वल्स टू ए ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब इंटू नहीं, ए गुणा बी। ए गुणा बी मतलब ये ए जो है वो ए सदिश के परिमाण की बात हो रही है और बी जो है वो बी सदिश के परिमाण की बात हो रही है। इसको हम कॉची शॉर्ट्स असामिका भी बोलते हैं, असामिका भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं, दो सदिश है, मान लो ए सदिश है और बी सदिश है, ठीक है? अगर हम उनका अदिश गुणनफल करते हैं, दो सदिश होगा, हमने अदिश गुणनफल किया और उसका परिमाण निकाला, तो जो उसका परिमाण होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू होगा किसके, ए सदिश के परिमाण के, और उसमें जब हम गुणा करेंगे बी सदिश के परिमाण का, ठीक है? इसी को हम कॉची स्क्वार्ट्स असामिका भी बोलते हैं, जो कि ये है, ठीक है? एक बार इसे देख लिया, ठीक है? चलो ये कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे हम लिखते हैं इसका हल कैसे। हाँ, तो दी गई असामिका सहज रूप से स्पष्ट है यदि ए सदिश शून्य अथवा बी सदिश शून्य है। वास्तव में इस स्थिति में है पता है कि ए सदिश डॉट बी सदिश का जो परिमाण होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश मतलब ए सदिश और बी सदिश का जो हम अदिश गुणनफल निकालेंगे उसका परिमाण लेंगे तो वह शून्य होगा, जो कि ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण के गुणा के बराबर होता है, ठीक है? इसलिए हम कल्पना करते हैं कि ए सदिश और बी सदिश शून्य ना हो, ठीक है? देखो ए सदिश और बी सदिश शून्य हो जाएंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जब हम उन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो वो भी शून्य हो जाएंगे ना। जब ए सदिश कुछ है ही नहीं और बी सदिश भी कुछ नहीं है, है ना, तो उनका अदिश गुणनफल कैसे कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। बस हम उसी की बात कर रहे हैं कि ए सदिश शून्य हो, बी सदिश शून्य हो, ठीक है, तो उसका अदिश गुणनफल शून्य हो जाएगा, इसलिए हम ए सदिश और बी सदिश का जो परिमाण है उसे शून्य नहीं लेंगे, ठीक है? समझ आया? चलो तब हमें, अब ये देखो अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में बार बार पढ़ा है कि अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना? ए सदिश डॉट बी सदिश क्या है, ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणनफल, ठीक है, जो कि इक्वल्स टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए बी क्या है, ए है ए सदिश का परिमाण और बी है बी सदिश का परिमाण, ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा है ए सदिश और बी सदिश के बीच का, थीटा क्या है, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो जब हमारा सूत्र है ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, है ना, तो हमने यहाँ पर ये देखो, हमने अब यहाँ पर इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, ए बी नीचे आ गया, आ गया। ये सब अभी मॉड में क्यों है, ये सभी हमने मॉड में डाल रखे, है ना, अभी हम इसके सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है? वैसे भी ए सदिश और बी सदिश का जब हम गुणनफल कर अदिश गुणनफल करते हैं तो उससे जो उत्तर आता है वो अदिश होता है ना, और अदिश को अगर हम परिमाण के अंदर डाल, अरे मतलब अदिश को जब हम मॉड के अंदर डालेंगे तो उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण तो उसके पास पहले से ही है, तो मतलब ये है कि अगर कोई जो मान है किसी भी संख्या का मान है वो माइनस नहीं होगा, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव या प्लस में ही आएगा, ठीक है? तो ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा था, तो ए बी नीचे आ गया, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण बटा ए मॉड और बी मॉड, ठीक है? अब ये देखो, अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की संख्या कहाँ से, माइनस एक से एक तक होती है ना, कॉस थीटा की जो संख्या है वो माइनस एक से एक तक होती है, तो इसलिए ए सदिश डॉट बी सदिश मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू ए सदिश और बी सदिश, कैसे, क्योंकि कॉस थीटा जो होता है वो उसकी रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक होता है, माइनस एक से प्लस एक तक, है ना, और कॉस थीटा यहाँ पे कहाँ, मॉड के अंदर है, जब कोई चीज मॉड के अंदर होती है तो वो सिर्फ हम पॉजिटिव वाली या प्लस वाली ही गिनते हैं, तो ये सिर्फ प्लस एक या फिर सिर्फ एक ही हो सकता है, माइनस एक नहीं हो सकता, ठीक है? तो कॉस थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एक, ठीक है, इसलिए ए सदिश डॉट बी सदिश का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू ए सदिश का मॉड और बी सदिश का मॉड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
चलो फिर शुरू करते हैं। अब अगले बयान, तो उदाहरण नंबर 20। अब देखिए, दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव ए सदिश प्लस बी सदिश का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश का, मतलब ए सदिश का मॉड प्लस बी सदिश का मॉड, जिसे हम त्रिभुज असमिका कहते हैं। हल, दी गई असमिका दोनों स्थितियां ए सदिश इक्वल टू शून्य या बी सदिश इक्वल टू शून्य में सहज रूप से स्पष्ट है। क्यों? इसलिए मान लीजिए कि ए सदिश इक्वल्स ए सदिश का मॉड इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज नॉट इक्वल्स टू बी सदिश का मॉड। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि ए सदिश या बी सदिश का, अगर हम ए सदिश को शून्य लेंगे या बी सदिश को शून्य लेंगे, तो इनका जो हम अदिश गुणनफल निकालते हैं तो क्या आता है, वो शून्य आता है। इसलिए हम ए सदिश के मॉड को और बी सदिश के मॉड को शून्य नहीं लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है, हमने ए सदिश और बी सदिश का योग किया और उसका स्क्वायर किया। ये मॉड का मतलब यहाँ सिर्फ ये है कि हम उनके परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले वाले में मॉड का मतलब क्या था? अदिश गुणनफल में तो हम सिर्फ, मतलब जब हम दो सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वो सिर्फ केवल परिमाण होता है, ठीक है, तो हम उसमें मॉड लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम दो सदिशों का योग करते हैं और उसमें मॉड लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है हम सिर्फ उसके परिमाण की बात कर रहे हैं, उसके सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, ना कि उसकी दिशा की, ठीक है। तो ए सदिश प्लस बी सदिश के मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, ए सदिश प्लस बी सदिश के मॉड का स्क्वायर क्या होता है? ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर। कैसे? जब ये ए सदिश प्लस बी सदिश के मॉड का स्क्वायर हम कर रहे हैं, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश गुणा ए सदिश प्लस बी सदिश कर रहे हैं, ठीक है। जब हम दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो उनका उत्तर क्या अदिश ही आता है, अदिश आता है। जब इसमें अगर आप सोचो कि ए सदिश प्लस बी सदिश है, और ऐसा हम ए सदिश प्लस बी सदिश का उसी में दोबारा हम गुणा कर अदिश गुणनफल निकाल दें, है ना, ऐसे उनका अदिश गुणनफल तो यही आएगा, आएगा ना, है ना। तब तो अब ए सदिश का ए सदिश में किया, तो ए सदिश डॉट ए सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश, ये हमने किया, ठीक है। उसके बाद ए सदिश डॉट ए सदिश को क्या लिखेंगे, ए सदिश के मॉड का स्क्वायर लिखते हैं ना। अभी हमने पढ़ा था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल लिखते हैं, और वो एक ही वो हो, जैसे ए सदिश है, ठीक है, एक ही सदिश है ना, तो वो क्या हो गया, ए सदिश के मॉड का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्यों? क्योंकि ए सदिश डॉट बी सदिश या बी सदिश डॉट ए सदिश बात एक ही होती है, अभी हमने गुणधर्म में पढ़ा था। तो क्या हो गया, प्लस 2a सदिश डॉट बी सदिश प्लस, और ये क्या होगा, बी सदिश डॉट बी सदिश क्या होगा, बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, ए सदिश के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2a सदिश बी डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर, हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये देखो अदिश गुणनफल क्रम विन्मेय है ना, ये हमने पढ़ा था। अब एक चीज देखो, ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा एस से। कैसे? ये जो आया ना, ए सदिश के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2a सदिश डॉट बी सदिश का मॉड प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा एस से। कैसे? ये देखो, उदाहरण 19 में हमने किया था, उदाहरण 19 में हम इसी पे बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। तो ये क्या हुआ, ए सदिश का जो मॉड, ए सदिश के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2a सदिश बी सदिश, ए सदिश का मॉड इनटू गुणा बी सदिश का मॉड प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर, ठीक है, ये उससे लेस देन इक्वल्स टू लेस देन होगा, होगा। तो ये क्या होगा, हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे ये देखो, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये कुछ ऐसे ही बनता दिख रहा है, यहाँ ए की जगह बस ए सदिश है और बी की जगह बी सदिश है ना। तो क्या हो गया, ए सदिश के मॉड प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर। तो अंततः उसका उत्तर क्या है, ए सदिश प्लस बी सदिश का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश। इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कोई दिक्कत आई? कैसे? ये देखो, ये स्क्वायर आया, ये वर्ग है ना, इसका स्क्वायर ये स्क्वायर है ए सदिश, और ये हम यहाँ देखेंगे तो यही चल रहा है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड यही चल रहा है ना, बाई तरफ यही चल रहा है। तो वर्ग इधर भी वर्ग है, इधर भी वर्ग है, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो ए सदिश प्लस बी सदिश है ना, ए सदिश का मॉड प्लस बी सदिश का मॉड इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश का होल मॉड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का? कुछ नहीं किया हमने इसमें, हमने बस ये लगाया कि ए सदिश प्लस बी सदिश का जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, उसको हम क्या, ए सदिश प्लस बी सदिश
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस मॉड को, है ना। और इसको जब हम खोलेंगे तो ऐसा आएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश, इसका इसमें पूरा अदिश गुणनफल निकाला, तो कुछ इस प्रकार का हमारा उत्तर आया, ए सदिश के मॉड का होल स्क्वायर प्लस टू ए सदिश डॉट बी सदिश का मॉड प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने इसे इक्वल्स टू किया, इसको हमने मान लिया ए सदिश के मॉड प्लस बी सदिश के मॉड का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हमारा उत्तर क्या बचा, ए सदिश प्लस बी सदिश के मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश। कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यदि त्रिभुज असामिका में समिक धारण होती है, टिप्पणी में क्या है, यदि त्रिभुज असामिका में समय का धारण होती है, उपयुक्त उदाहरण 20 में से, अभी हमने उदाहरण 20 पढ़ा तो उधर उधर ही से उठाया नहीं, अर्थात ए सदिश प्लस बी सदिश का मॉड इक्वल्स टू ए सदिश प्लस बी सदिश, तब अभी देखो, अब ये अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें, ये देखो यहाँ पर एक वो चल रहा था, ये इसकी बात कर त्रिभुज, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया ए सदिश, ये हो गया बी सदिश, और ये क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश, तो क्या कहेंगे, एसी एसी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश, ए सदिश प्लस बी सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश। ये देखो ये कह रहा है ए सदिश प्लस बी सदिश का मॉड इक्वल टू ए सदिश का मॉड प्लस बी सदिश का मॉड, तब ए सी सदिश के मॉड इक्वल टू ए बी सदिश का मॉड प्लस बी सी सदिश का मॉड। इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने उदाहरण नंबर 19 देखा, उदाहरण नंबर 20 देखा, है ना, उसके बाद हमने टिप्पणी देखी, उससे पहले हम 18 उदाहरण देख चुके हैं पिछली कक्षा में, अगर आपने वो नहीं देखे तो आपको ये समझ नहीं आएगी। तो पिछली कक्षा जो हमने पढ़ी थी ना, पार्ट पार्ट 16 भाग 16 पढ़ा था, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना, मतलब भाग 15 पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद उदाहरण नंबर 20 और टिप्पणी, ठीक है, आज के लिए हमने कर लिया, बाकी अगली कक्षा में हम उदाहरण नंबर 21 देखेंगे, उसके बाद एक टिप्पणी है उस पर दृष्टि डालेंगे, और आपकी बुक में 10.6.3 में दो सदिशों का सदिश गुणनफल, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, अब हम क्या देखेंगे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, इसे हम बोलते हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें देखो अभी जब हम दो सदिश को अदिश गुणनफल कर रहे थे तो उसमें जो उत्तर आ रहा था वह अदिश आ रहा है, लेकिन जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो जैसा उसका नाम दिया है, जब हम इनका गुणनफल करेंगे तो उनका जो उत्तर आएगा वह एक सदिश आएगा, इसको हम वो ए सदिश डॉट बी सदिश से डॉट से हम उसको डॉट से बोलते थे, है ना, ए सदिश डॉट बी सदिश, इसमें हम ए सदिश क्रॉस क्रॉस पता है ये वाला, ये इससे दर्शाएंगे, तो वो होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, ठीक है। बाकी आज की कक्षा के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगली कक्षा में हम मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।